कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 55वां दिन है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब तक 1250 किलोमीटर से अधिक सफर तय कर चुकी है। यह यात्रा इन दिनों तेलंगाना में है। यह यात्रा तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से गुजरते हुए अब तेलंगाना पहुंच चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। यात्रा के दौरान 4 नवंबर को एक दिन का विश्राम रहेगा। तेलंगाना में इस यात्रा का आज 6ठा दिन है। राहुल गांधी ने तेलंगाना की शमशाबाद के मठ मंदिर से पदयात्रा की शुरुआत की। इस दौरान राहुल गांधी के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आया। आपको बता दें कि यह यात्रा तेलंगाना में 16 दिन तक चलेगी और 19 विधानसभा और 7 संसदीय क्षेत्रों को कवर करेगी। मकथल में तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों में 16 दिनों तक यह यात्रा जारी रहेगी। इस दौरान 19 विधानसभा और 7 संसदीय क्षेत्रों से गुजरते हुए 375 किलोमीटर की दूरी तय किया जाएगा। आपको बता दें कि विगत 7 सितंबर को राहुल गांधी की यह भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जो कि अब 4 राज्यों तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से गुजर चुकी है। कांग्रेस की 3750 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। यह दक्षिण में कन्याकुमारी से उत्तर के कश्मीर तक 3750 किलोमीटर का सफर तय करेगी। गौरतलब है कि राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा में भारी तादाद में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक हिस्सा ले रहे हैं। राहुल गांधी पैदल यात्रा करके पूरे देश में अलग संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं।